हेलो। गुड मॉर्निंग श्रद्धा जी। तो वीकली करंट अफेयर्स है ना, ठीक है, हफ्ते भर के। तो सबसे पहला आज जो बोर्ड पर आपको दिख रहा होगा वो है गया BH3, ठीक। और ये एक ब्लैक होल है, तो अगर ब्लैक होल की बात की जा रही है तो दो सब्जेक्ट से ये जुड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ब्रह्मांड की घटना है। जैसे ही ब्रह्मांड की बात करते हैं, दो विषय हमारे मस्तिष्क पटल पर आने चाहिए। पहला, भूगोल, ज्योग्राफी, ठीक, और फिर विज्ञान। ज्योग्राफी भी अप्लाइड साइंस ही होती है, ठीक, अलग नहीं होती उससे, है ना। यानी कुल मिला के GS थर्ड पेपर और फर्स्ट पेपर दोनों का ही टॉपिक बन सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। ब्लैक होल आपको पता है, एक खगोलीय पिंड, और ब्लैक होल के पास टाइम डायलेशन पाया जाता है, यह भी आपको पता है। ये उस टाइम की बात हो रही है जो डायमेंशन है, जैसे होता है ना लंबाई चौड़ाई। गुड मॉर्निंग ज्योति जी। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, वैसे ही समय भी चौथा आयाम है, ठीक है, आयाम है। और ब्लैक होल में गुरुत्वाकर्षण शक्ति बहुत अधिक होती है। इतना अधिक गुरुत्वाकर्षण पाया जाता है, ग्रेविटेशनल फोर्स पाया जाता है, कि वह प्रकाश को भी, है ना, अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है, ठीक है। ऐसा ही एक ब्लैक होल गया BH3 अभी खोजा गया है, इसलिए फिर ये खबरों में आ जाता है, ठीक है। आप सभी सोचते होंगे करंट अफेयर्स में सब कुछ खबरों में आ जाता है, सर इस तरह कैसे पढ़ा जाए, ठीक है, विषय बहुत है और सभी कुछ खबरों में रहता है। परेशान मत होइए, मैंने हमेशा कहा है जैसे जैसे विषय आगे बढ़ेंगे तो आपको आसानी होती जाएगी चीजों को समझने में, मुश्किल बात नहीं होती है। देखिए, खगोल विज्ञानी हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में अब तक का सबसे विशाल तारकीय द्रव्यमान वाला ब्लैक होल खोज लिया है, ठीक। ये गाया BH3 इसका नाम दिया गया है, और ये पृथ्वी से कितनी दूर है, लगभग 2000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर। प्रकाश वर्ष क्या होता है, पहली चीज एक बात ध्यान रखिएगा, ये टाइम का यूनिट नहीं है, ये दूरी का यूनिट है। यानी एक वर्ष में प्रकाश द्वारा चली गई संपूर्ण जो दूरी होती है उसे एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। क्या बोला मैंने, एक वर्ष में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहा जाता है। नेहा जी गुड मॉर्निंग। नेहा कहाँ से आ गए आज, गुड मॉर्निंग, ठीक है, उसको प्रकाश वर्ष कहते हैं। अब स्थित कहाँ है, तो एक्विला नक्षत्र में ये स्थित है, जो हमारे ग्रह का दूसरा सबसे निकटतम ज्ञात ब्लैक होल बनाता है, ठीक। कहाँ स्थित है, एक्विला नक्षत्र में। विशेष बात क्या है कि दूसरा सबसे निकटतम ज्ञात ब्लैक होल ये बनाता है। तीन चार चीजें हो गई, देखिए 2000 प्रकाश वर्ष दूर है, एक पॉइंट एक्विला नक्षत्र में स्थित है, दूसरा फैक्ट, और तीसरा दूसरा सबसे निकटतम ज्ञात ब्लैक होल ये बनाता है, ठीक है। अब देखिए आज यह खोज यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के गाया मिशन के डेटा का विश्लेषण करके की गई थी, जिसने ब्लैक होल के पास एक तारे को डगमगाते पाया जो इसकी उपस्थिति का संकेत देता है। किसने खोज की है, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी। यह हो गया चौथा पॉइंट, ठीक। पॉइंट्स पे ज्यादा ध्यान देना होता है। पहली बात, गया BH3 क्या है, ब्लैक होल है सर। अगली बात, कहाँ स्थित, एक्विला नक्षत्र के पास 2000 प्रकाश वर्ष की दूरी पे। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी जो है उसने इस मिशन के डेटा विश्लेषण के द्वारा इसके बारे में बताया, ठीक है ना, और उपस्थिति का संकेत मिला। आगे बढ़ते हैं, जरा देख पाए और समझ पाए, बहुत बड़े बड़े तारे जीवन चक्र के, तारे का भी जीवन चक्र होता है, सूरज का भी है, ठीक है ना। हम लोग सब रह रहे हैं पृथ्वी पर, अगर आप सोचने का प्रयास करेंगे, है ना, मानवों के बारे में, तो कंफ्यूज हो जाएंगे, कहाँ से आए, क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, ठीक। अमूमन कोई सोचता नहीं है इस बारे में, लेकिन अगर विज्ञान की दृष्टि से या भूगोल की दृष्टि से कहा जाए कि भाई मानव आया, तो आप सोच के देखिए, पिरामिड बना रहा है शुरुआती स्तर पर, ऊपर से काट कर नीचे की तरफ वो मंदिर बना रहा है। एक सिद्धांत यह भी कहता है कि मानव पृथ्वी का नहीं है, ये बाहर से परग्रही था, इसने पृथ्वी को ढूंढा है जहां पर संसाधन है, क्योंकि मानव का तो अपना सब फिक्स है कि ऑक्सीजन है चाहिए, है ना, कि
कि मानव का तो सब फिक्स शारीरिक संरचना। तो जो ह्यूमन इवोल्यूशन थ्योरी दी जाती है उसमें हमेशा पढ़ाया जाता है कि बंदर से हम बने। अब कुछ वैज्ञानिकों के मानना है ठीक बंदर से बने, मान ली, फिर आज के बंदर को कैसे डिस्क्राइब करोगे? हाँ नहीं, विकास क्रम में सारी चीजें बनी एक एक करके, ठीक है, इकाइनोडर्मेटा भी है, ऑर्थोपोड्स भी है, मैमल्स भी है, एवीज भी है, पक्षी सब है, ठीक, समरूपी अंग, समजातंग, सब आप समझते, ठीक। लेकिन सवाल ये पैदा होता है, ठीक बंदर से बने, एवोल्यूशन लिख दिए किताब में, दुनिया पढ़ रही है, थ्योरी बोल दी है, ठीक, लेकिन फिर आज के बंदर को कैसे डिस्क्राइब करेंगे? फिर वो भी तो, उसका भी तो विकास होना चाहिए, समय के साथ उसका तो नहीं हुआ, तो यह भी एक थ्योरी। तो जैसे हमारा जीवन चक्र होता है वैसे तारे का भी होता है, ठीक है। अब ठीक, देखिए ज्यादा विज्ञान के अंदर जाएंगे तो फिर कंफ्यूज होंगे, है ना। मैं पहले भी बता चुका हूँ, जॉर्ज स्मूट नाम के जो वैज्ञानिक है उनको नोबेल मिल चुका है इस चीज में, उन्होंने प्रूफ किया है दुनिया एक काल्पनिक दुनिया है, सिमुलेशन है, असली नहीं है ये, ठीक, आपको सिर्फ लगता है, भ्रम होता है कि हम जी रहे हैं। वो अपनी थ्योरीज है वैज्ञानिकों की अलग अलग, वो प्रूफ करते हैं, इसीलिए उनको फिर नोबेल जैसे बड़े पुरस्कार भी मिलते हैं। और लोग ये कहते हैं कि जिस तरीके से मानव प्रिस्क्राइब कर रहा है, डिस्क्राइब कर रहा है, आज तकनीक मौजूद है, चलो आज बड़े स्ट्रक्चर बन सकते हैं, पहले इतने बड़े स्ट्रक्चर कैसे बना लिए? तब तो तकनीक मौजूद नहीं थी। और आप देखिए, अगर समझ पाएंगे तो थ्योरी क्या कहती है, अगर आप पढ़ेंगे, है ना, कभी सर्च करेंगे ह्यूमंस आर नॉट बिलोंगिंग टू अर्थ, आपको मिल जाएगा। ऐसे बहुत से वैज्ञानिक जो मानते हैं कि यहाँ के नहीं है, बाहर से आते हैं, एक ग्रह पर रहते हैं, उसके संसाधन इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, जैसे संसाधन खत्म होने लगते हैं ना, ये दूसरे ग्रह की खोज शुरू कर देते हैं। देखो शुरू कर भी दी, ठीक, और फिर क्या करेंगे, जेनेटिक पूल लेके चले जाएंगे, पढ़ाया जा रहा, धीरे धीरे देखिए तकनीक वहां तक पहुंच गई, अब क्या जेनेटिक पूल भी है, आर्टिफिशियल फॉर्म भी है, तो मानव को तो कहीं भी पैदा कर सकते हो, जिस ग्रह पर ऐसी परिस्थितियां मिल जाए वहां मानव को दोबारा पैदा कर लीजिए, ठीक है ना। तो ऐसे क्या है, अच्छा कैसे सर ऐसा क्यों करते हैं, मानवीय सभ्यता चलती रहे। कुछ लोगों का कहना कितने पुराने हैं किसी को नहीं पता, कहां से आए कहां को जाते हैं किसी को नहीं पता, यह समस्या है प्रमुख, ठीक। जैसे मानवों का जीवन चक्र है वैसे ही तारों का भी जीवन चक्र है। और एक बात और, ब्रह्मांड के बारे में सबसे खूबसूरत विचार यह होता है कि ब्रह्मांड का लगभग 90% भाग अभी ज्ञात ही नहीं है मानव। आप कहते हैं ना डार्क मैटर, डार्क एनर्जी, डार्क मैटर का अर्थ समझिए, डार्क मैटर, ठीक, या डार्क एनर्जी, ऐसी एनर्जी, ऐसा, देखो मैटर में क्या होगा, द्रव्य, भाई मैटर में, द्रव्य में क्या होगा, ऊर्जा, ऐसा द्रव्य जिसके बारे में हमें नहीं पता, तो उसकी ऊर्जा के बारे में भी नहीं पता होगा, उसको डार्क मैटर बोलते हैं, नहीं जानते, ठीक है। तो जब बड़े बड़े तारे अपने जीवन चक्र के अंत में होते हैं, ठीक, तो ये तारकीय द्रव्यमान वाले ब्लैक होल उत्पन्न करते हैं, अंतिम स्थिति है तारे की, ठीक है। ब्लैक होल सामान्यतः जो हमारे सूर्य का द्रव्यमान है उससे लेकर कई दर्जन गुना तक ये बड़े हो सकते हैं द्रव्यमान में, ठीक। सूर्य भी अंतिम रूप में क्या ही बन जाएगा, ठीक, ब्लैक होल। और जब सूर्य ब्लैक होल बनेगा तो जो ग्रह आप देख रहे हैं ना उसके चारों तरफ रिवॉल्व कर रहे हैं, इवॉल्व कर रहे हैं, ठीक, जिसके बारे में अभी हमें बहुत कम जानकारी है, ये सारे ग्रह अंततः कहां मिल जाएंगे, उसी ब्लैक होल में, ठीक। गुरुत्वाकर्षण शक्ति होती है, इसके बारे में अभी खोज चल रही है, क्यों इतनी गुरुत्वाकर्षण शक्ति ब्लैक होल की होती है, ठीक। और कई लोग ये भी कहते हैं कि जैसे ब्लैक होल एक ब्रह्मांड से दूसरे ब्रह्मांड को जोड़ने का मार्ग है, ठीक, ब्रह्मांड भी अनंत है, कोई एक ब्रह्मांड थोड़ी ना है, ठीक, ये तो साइंस है। देखो विज्ञान के विषय में अगर बात करें तो विज्ञान क्या है, एक अच्छा अनुमान, एक अच्छा अनुमान, ऑब्जर्वेशन है। मैं हमेशा यही कहता हूं विज्ञान के बारे में, विज्ञान को कई लोग विषय की तरह पढ़ने लगते, फायदा नहीं होता फिर, ठीक, अनुमान है। अनुमान क्यों है भाई, धरती के नीचे तो कोई नहीं गया, फिर भी हम पढ़ाते हैं कि क्या है, भूपरपटी, क्रस्ट, क्रस्ट के नीचे मेंटल, मेंटल के नीचे कोर, देखा किसी ने, कैसे बताते हैं, भूगर्भीय हलचलें जो होती है उसके आधार पर अंदाजा लगाते हैं, ऐसा होगा, होगा, जब कोई देख लेगा तब की बात अलग है, पहले होता है, होगा विज्ञान में हमेशा। तो कहते हैं अलग अलग थ्योरी, कोई कहता है कि ब्लैक होल भाई वर्म होल की तरह काम करता है, एक थ्योरी है वर्म होल कि यूनिवर्स के एक हिस्से से हम एंट्री लिए और दूसरे हिस्से पे निकल गए दूसरे यूनिवर्स, ठीक है ना। तो अभी जैसे टाइम डायलेशन मैंने शुरुआत में कहा आपसे,
ब्लैक होल के पास टाइम डायलेशन होता है, समय जो है वो ब्लैक होल के पास बहुत धीमे चलता है, क्योंकि अगर ब्लैक होल प्रकाश को अपनी तरफ आकर्षित कर सकता है तो समय को भी कर सकता है। अब जरा विचार करने का प्रयत्न कीजिए कि अगर समय को आकर्षित, इतना ज्यादा गुरुत्वाकर्षण कि समय को कर, तो अगर आप ब्लैक होल के पास हैं तो आपकी उम्र बहुत धीरे बढ़ेगी, और वहां पता चले 5 मिनट गुजारे तो पृथ्वी पर तब तक 100-150 साल निकल जाएंगे, अगली 2 पीढ़ी आपकी क्रॉस हो जाएगी। क्या सर ये कैसे होता है? फिर कह रहा हूं अच्छा अनुमान है, ठीक है ना, कोई गया नहीं है ब्लैक होल के पास, लेकिन टाइम डायलेशन की थ्योरी सच है, टाइम डायलेट होता है, ठीक है। तो सूर्य भी अंततः यही बनेगा, सबको पता है सूर्य एक क्या है, तारा, ठीक, स्टार। हालांकि हाल में खोजा गया है जो ये BH3 है, ये असाधारण रूप से विशाल तारकीय द्रव्यमान वाला ब्लैक होल है, जिसका वजन कितना है, 3300 सौर द्रव्यमान, अपने 33 सूर्यों के बराबर इसका द्रव्यमान, ठीक। इस परिप्रेक्ष्य में अगर बात की जाए तो हमारी आकाश गंगा में अगला सबसे बड़ा ज्ञात तारकीय ब्लैक होल कौन सा है, Cygnus X1, ये अगला है, इसका कितना है, 21 सौर द्रव्यमान, ठीक। तो अभी जो ज्ञात किया गया है उसका कितना है, 33 सौर द्रव्यमान, और जो सिग्नस एक्स उससे छोटा है उसका 21 सौर द्रव्यमान, ठीक है। मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। अब देखो ये वाले ब्लैक होल की खोज बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ब्रह्मांडीय पिंडों के विकास और आसपास के वातावरण में उनके प्रभावों के बारे में ये क्या करता है, जानकारी प्रदान करता है। गया BH3 और इसी तरह के अन्य ब्लैक होल का अध्ययन करने से खगोलविदों को तारों के जीवन चक्र और हमारी आकाशगंगा में ब्लैक होल के निर्माण को बेहतर ढंग से समझने में क्या मिलती है, मदद। अच्छा क्यों समझना चाहते हैं ये कौन बताएगा, क्या जरूरत है इसको समझने की, तारे और सूरज कैसे बना है? एक तो ब्रह्मांड के बारे में जान सके, और सबसे इंपॉर्टेंट अगर ब्रह्मांड नहीं है तो क्या स्टार होंगे, स्टार नहीं है, सूरज नहीं है तो क्या पृथ्वी की कल्पना कर सकते हैं, और अगर पृथ्वी नहीं है तो क्या मानव की कल्पना की जा सकती है, नहीं। इसीलिए तो जानना है कि भैया ये सब हुआ कैसे, अगर ये हुआ तो किसने किया, कहां से हो रहा है ये सब, पढ़ तो रहे हैं, ठीक, ताकि यूनिवर्स के बारे में जानू। बिल्कुल सही बात, मानव जीवन पर यूनिवर्स का प्रभाव नहीं, मानव है ही इसलिए क्योंकि क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स हुआ है। भाई हम ऐसे नहीं सोचते, अब देखो सोचने का ढंग बताता, ब्रह्मांड तो बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड में असंख्य आकाशगंगाएं एकाधी थोड़ी ना है, असंख्य, ठीक। और इन असंख्य आकाशगंगाओं में एक बात सोचकर देखिए, असंख्य तारे, असंख्य ग्रह, उन असंख्य ग्रहों असंख्य तारों में एक आकाशगंगा अपनी मिल्की वे, उस मिल्की वे में एक स्टार सूरज, एक स्टार है वो, ऐसे बहुत सारे स्टार है मिल्की वे में, एक नहीं। ये ना सोचना कि सर अच्छा मिल्की वे में अपना ही सूरज है, बाकी बहुत सारे हैं, ठीक, सीरियस भी है उसमें, उसमें से एक सूरज, उसके चारों तरफ चक्कर लगाते हैं 9 ग्रह, और 9 ग्रहों में से एक ग्रह कौन, पृथ्वी, उसका भी साइज बृहस्पति और शनि जैसे ग्रहों से छोटा, ठीक, और उसमें बहुत सारे देश, और उन बहुत सारे देशों और सागरों में एक देश भारत, उसमें बहुत सारे राज्य, उन बहुत सारे राज्यों में बहुत सारे जिले, बहुत सारे जिलों में बहुत सारे घर, उन घरों में से एक घर अपना, उसमें रहते हैं हम, क्या हिसाब है हमारा, सोच के देखो, अब विशालता समझ रहे हो, वास्तविकता समझ रहे हो जीवन की, ऐसे सोचा जाता है। इसलिए भी जानना ब्रह्मांड बहुत विशाल है, क्या गारंटी है कि सिर्फ पृथ्वी पर ही जीवन है, बाहर कोई नहीं रह रहा होगा, तो ये तो पता करना है ना भैया, मानव रहे, हम क्या सोचते हैं, हम ही सिर्फ हैं, हम पृथ्वी पे हैं ना, तो हम ये सोचते हैं हम ही हैं, बाहर निकल गए पृथ्वी के, विशालता इतनी बड़ी है कि पूछिए मत,
और ब्रह्मांड भी एक नहीं, असंख्य ब्रह्मांड। अब एक बात सोच के देखो, चलो तुम लोग कहते हो चलो सब पूजा पाठ, और देखो विज्ञान काम कैसे करता है। अगर असंख्य ब्रह्मांड है अकॉर्डिंग टू हिंदू आइडियोलॉजी, तो असंख्य ब्रह्मांडों में असंख्य पृथ्वियां होंगी, और असंख्य पृथ्वियों में इसी प्रकार से युग चल रहे होंगे, यही सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। तो अगर हम अपने राम की बात करते हैं, तो फिर जरा ये बताओ कौन से राम की बात कर रहे हो? राम एक थोड़ी ना है। एक लाइन सुनी, हरि अनंत हरि कथा, इसीलिए कहा जाता है। लिखने वाले को पता है कि साइंटिफिक थ्योरी है, एक नहीं है, वो बहुत सारे हैं, ठीक, उनको नाप थोड़ी पाओगे अगर उन्होंने ही बनाया है तो। अब साइंस भी देखो यही कहता है, एक थोड़ी ना ब्रह्मांड है। तो हम क्यों कर रहे हैं तारों की ये सब, क्यों हम इतना परेशान हो रहे हैं तारों के लिए? अरे जान तो पाइएगा कि भाई मानव कहां से आ गया, ठीक। अब बताइए, अभी गुरुत्वाकर्षण के बारे में सही से जानकारी नहीं मिली है, समय के बारे में नहीं जानते। पुराने जमाने में कहा जाता था कि अंतर ध्यान हो गए और दूसरी जगह प्रकट हो गए, ऐसा तब हो सकता है जब आप समय के आयाम को समझते हो। अभी आप कितने डायमेंशन तक बना सकते हैं चीजों को बताइए, ड्रॉ कितने डायमेंशन तक, दो डायमेंशन मैं कितना ड्रॉ कर सकता हूं यहां पे? अगर मैं यहां ड्रॉ करना चाहूं तो ये लंबाई हो गई, ये चौड़ाई हो गई, कैसा तीसरा भी कर सकते हैं, कहां कर पा रहा हूं? ये जो जेड मैंने बनाया ना, ये एक्चुअली में ऐसे है, क्योंकि ये तीनों डायमेंशन एक दूसरे से कैसे होते हैं, 90 डिग्री के एंगल पर। ये लंबाई है, ये चौड़ाई 90 डिग्री का एंगल है, ये 90 डिग्री का एंगल तब बनेगा जब ये पेन बाहर की तरफ जेड एक्सिस ऐसे जा रही हो। अभी तीसरा तो ड्रॉ नहीं कर पा रहे, और चौथे की बात कर रहे हो, बताओ इस हिसाब से मानव विकास कहां पहुंचा है ना? ये जहां से हम लोग पढ़ रहे हैं ये 3D स्ट्रक्चर है ना, समझा होगा ना इसको पहले मानव ने। अच्छा आप लंबाई मीटर में नापते हैं ना लंबाई मीटर में, प्रकाश वर्ष यूनिट दी गई, तो ये लंबाई पृथ्वी पर ही तो है यूनिट, पृथ्वी के बाहर थोड़ी ना है। इनडायरेक्टली लंबाई किसकी यूनिट है? मानवों की। मानव जिस आधार पर लंबाई को समझ रहा है वो क्या है? एक यूनिट। किसने बनाई? हमने। किस लिए? ताकि हम बना सके स्ट्रक्चर को। इनडायरेक्टली अगर कहा जाए, हमने अपने अस्तित्व को कोड किया हुआ है, सब कुछ कोड है, ठीक है। इसलिए इन खोजों का महत्व तो बहुत बढ़ जाता है। अब चलते जरा एक प्रश्न पर। हाल ही में किस देश ने तीरंदाजी विश्व कप में पुरुषों की रिकर्व स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है? महत्वपूर्ण क्यों हो जाता है? क्योंकि इसका उत्तर जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग है, भारत, ठीक है ना। अब भारत की पुरुष रिकर्व टीम ने 14 साल के स्वर्ण सूखे को तोड़ते हुए दक्षिण कोरिया को हराकर तीरंदाजी विश्व कप स्टेज 1 में ऐतिहासिक स्वर्ण पदक जीत लिया। ये वन लाइनर क्वेश्चन पीसीएस में खूब पूछे जाते हैं, ध्यान रखिए, ठीक है ना। और वैसे भी पूछे जा सकते हैं, यूपीएससी में भी आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। और ये जो आप सेकेंडरी पेपर देंगे उसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। विजयी तिकड़ी कौन सी है? धीरज बोमदेवरा, तरुणदीप राय और प्रवीण जाधव। नाम याद ना रहे कोई दिक्कत नहीं है, जरूरी नाम आए। अब ये जरूर याद रखिएगा, भारत ने जीता है, ठीक। और दक्षिण कोरिया की विश्व चैंपियन टीम को कितने से हराया है? 5-1 से, बड़ी बात। बहुत 14 साल बाद इस सूखे को तोड़ा गया है, ठीक। 14 साल पहले ये गोल्ड मेडल आया था। हाल ही में समाचारों में उल्लिखित फेंटानिल क्या है? जिसमें ऐसे नाम दिखे ना, फेंटानिल, मॉल, ऑल, दवा है, ठीक, दवाओं के नाम ऐसे ही होते हैं। ये क्या है? सिंथेटिक ओपियोइड दवा, ठीक है। अमेरिकी विदेश मंत्री कौन है? एंथनी ब्लिंकन। हालिया चीन यात्रा के दौरान चर्चाओं में क्या रही? सिंथेटिक ओपियोइड दवा। एक बात ध्यान रखिए, भारत फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग में नंबर 1 है, ये दुनिया को पता है, ठीक। अब सुनिए, हम मैन्युफैक्चरिंग में नंबर 1 है, हम दवाएं बना लेते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए दवाएं बनाने के लिए हमको चाहिए API, एडवांस फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स। बिना इंग्रेडिएंट्स के दवा नहीं बनती। ये इसमें नंबर 1 पता है कौन है API बनाने में? चीन। अगर चीन रॉ मटेरियल भारत को देना बंद कर दे, दवा का प्रोडक्शन बंद हो, लेकिन क्यों ऐसा नहीं करते देश?
क्योंकि अगर चीन ऐसा करेगा, भाई चीन और भारत में आपको पता है तल्ख संबंध रहते हैं, इस समय बहुत तल्खी है संबंधों में, लेकिन चीन ऐसा करेगा पूरी दुनिया में दिक्कत पैदा हो जाएगी, समझ रहे हैं। और भारत नंबर एक है, अभी आपको कोविड में पता होगा, जब पता चला हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन वो दवा है जिस दवा से कोविड का इलाज हो सकता है, तो अमेरिका क्या कह रहा था, भारत पहले हमें दे, ठीक है, तो हम दवाओं की मैन्युफैक्चरिंग में नंबर वन है और चीन एपीआई के मामले में, ठीक है। विशेष रूप से फेंटानिल के उत्पादन और निर्यात पर प्रकाश डाला, ये ओपियोइड अफीम पोस्ट के पौधे में मौजूद पदार्थों की नकल करते हैं और ओपियोइड रिसेप्टर्स को सक्रिय करते हैं, ये बात मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है। हमारे शरीर में कैनबिनॉइड्स रिसेप्टर्स होते हैं ब्रेन में, जब आप बहुत रिगरस एक्सरसाइज करते हैं तो ये कैनबिनॉइड रिसेप्टर्स क्या होते हैं, एक्टिव हो जाते हैं और आपको एक खुशी का एहसास होता है। कुछ लोग क्या करते हैं, इसी ओपियम के पौधे का इस्तेमाल करके कुछ पदार्थों का सेवन करते हैं जिससे क्या होता है, वो जो रिसेप्टर है ना उनपे कैनबिनॉइड ही अटैच हो सकते हैं, वैसे ही डिजाइन है। फिर समझिए हमारे दिमाग में क्या होता है, कैनबिनॉइड रिसेप्टर, ठीक। और एक पौधा होता है कैनबिस सैटिवा, ठीक। अगर हमारे दिमाग में कैनबिनॉइड रिसेप्टर है इसका मतलब वो कैनबिनॉइड को खुद से अटैच कर सकते हैं। जब हम एक्सरसाइज वगैरह करते हैं तो जो हार्मोन्स होते हैं उन्हीं कैनबिनॉइड रिसेप्टर्स पे अटैच हो जाते हैं, तो आपको एक बहुत अच्छी खुशी का अनुभव होता है, ठीक। कुछ लोग ऐसे पदार्थों का सेवन करते हैं, खा लेते हैं, मतलब खा लेते हैं या पी रहे हैं विभिन्न तरीके से, ठीक, तो वो क्या होता है, एक्टिव हो जाते हैं कैनबिनॉइड। तो आपने देखा वो व्यक्ति बड़ा एकदम रेड आईज करके बैठा होगा, उसको किसी से मतलब नहीं होगा, ठीक, अहम ब्रह्मास्मि वाला विचार उसमें आ रहा था, मैं ही ब्रह्म हूं, क्यों आ रहा होता पता है, दिमाग में जो कैनबिनॉइड रिसेप्टर है वो डिजाइन है किस लिए, उस हार्मोन के लिए। वो जो पदार्थ वो बाहर से ले रहे हैं उससे जो रसायन शरीर में प्रवेश किया वो उन कैनबिनॉइड रिसेप्टर से बैठ जाता जाके, तो जो खुशी की फीलिंग एक्सरसाइज करने के बाद आ रही थी वो हमेशा आने लगती है, ठीक। फिर क्या होता है, उसकी आदत पड़ती है, लत पड़ जाती है लोगों को, ठीक, क्योंकि अगर उनको नहीं मिलेगा तो उनको अच्छा नहीं लगेगा, फिर वो अगर आप छुड़ाने की कोशिश करेंगे तो वो चिड़चिड़े हो जाते हैं, बहुत कठिन हो जाता है, नहीं, ठीक। क्या सक क्यों कर, देखो ये दर्द से राहत देता है और मैंने क्या कहा, उत्साह होता है, ठीक, दर्द से राहत देगा, अब खुशी होगी, अब खुशी असली नहीं है, नकली है, ठीक, लेकिन उत्साह में रहेंगे, है ना। लेकिन एक समस्या है, अभी बता दिया, नशे की लत का जोखिम बढ़ जाता है, ठीक है, ध्यान रखिए। अब समझ में आ रहा होगा, अच्छा सर देखे तो हैं सड़क किनारे लोग बैठे रहते हैं खुश रहते हैं, लेकिन समझ में आती इतनी खुशी ला कहां से, यहीं से ला रहे खुशी, ठीक है, क्योंकि शरीर में सामान्यतः नेचुरली भी वो प्रेजेंट है तभी आप खुश हो रहे हैं, लेकिन शरीर उसको अत्यधिक मात्रा में नहीं बना देता। अब बाहर से बार बार खुश खुश होना चाहेंगे यार, हम खुशी बैठेंगे जीवन भर, तो फिर क्या होगा, आदत पड़ जाएगी, लत पड़ जाएगी, ठीक, फिर उसके बिना आप खुशी में नहीं रह पाएंगे। तो आपने ये सुना होगा जिन लोगों को इस प्रकार की लत होती है, अगर उनको ये ना मिले पदार्थ तो वो डिप्रेशन और एंजाइटी के शिकार होने लगते हैं, ठीक है, और इनको छुड़ाने के लिए विशेष प्रयत्न करने पड़ते हैं, ऐसा नहीं एकदम से नहीं छूटता, इसकी मात्रा धीरे 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 कम की जाती है, ठीक है, समझिएगा। फेंटानिल मॉर्फिन से 100 गुना अधिक शक्तिशाली है। मॉर्फिन क्या करता है, दर्द का अंत, मॉर्फिन क्या करता है, जब आप बहुत दर्द में होंगे, जैसे घायल कोई है कहीं बहुत दर्द हो तो मॉर्फिन दिया जाता है, उससे उसको क्या होता है, दर्द का एहसास खत्म होता है, क्या बोला, दर्द का एहसास खत्म होता है, दर्द नहीं खत्म होता, दर्द रहेगा शरीर में, चोट लगी है लेकिन दर्द का एहसास खत्म हो जाएगा, नहीं तब तो क्लोरोफॉर्म देते हैं, तब तो आप ये मान के चलो कि आप होश में ही नहीं होते, ठीक है ना। मॉर्फिन क्या करता है, मॉर्फिन आप बेहोश नहीं होंगे, जैसे चोट लगी हुई है, हाँ चीरा लग, जैसे आप कहीं सामान्यतः आपने देखा होगा सैनिक वगैरह घायल हो जाते हैं, इन्हें मॉर्फिन दे देते हैं, क्लोरोफॉर्म देके बेहोश नहीं करते, ठीक, ताकि शरीर चलता रहे सामान्यतः। अब मॉर्फिन दिया जाता है तो इन्हें असहनीय दर्द हो रहा होता है, तो मॉर्फिन देने से क्या होता है, दर्द खत्म हो जाता है। जिनको भी माइग्रेन की प्रॉब्लम होती है बहुत ज्यादा सर दर्द करता है, उन्हें अंततः फिर मॉर्फिन ही दिया जाता है, लेकिन ये मॉर्फिन से 100 गुना शक्तिशाली है, लेकिन अगर इसका ओवरडोज किया जाए तो ये जोखिम पैदा करता है, ठीक। अब देखो कुछ है ना, इसी कहते हैं अनुभव, क्योंकि मैं साइंस पढ़ाता हूं तो मैं कई बार ऐसे बच्चे मेरे दृष्टि में आते हैं
ये कुछ करके बैठे होते क्लास में, मुझे पता चल रहा होता है, ठीक है ना? क्यों? क्योंकि पिन पॉइंट पुतलियां हो जाती हैं आंखों की। पिन पॉइंट पुतलियों का मतलब होता है वो देखेगा तो एकदम कंसंट्रेशन देखता ही रहेगा, वो पुतली हिलेगी भी नहीं आंख की, हिलेगी भी नहीं, एक ही जगह पे पिन पॉइंट। बेहोशी, सांस लेने में कठिनाई, ऐसे चिन्हित किया जाता है इन लोगों को। सामान्यतः जो लोग इस प्रकार के कार्य करते हैं उनकी रेड आईज होंगी, ठीक, चढ़ी हुई आंखें जिन्हें बोलते हैं, वो चढ़ी हुई आंखें होंगी और पिन पॉइंट पुतलियां होंगी, एक ही तरफ देखते रहेंगे। अगर उन्होंने ऐसा क्यों होता, ऐसा इसलिए होता है कि ये पदार्थ क्या करते हैं, आपकी सोचने की क्षमता पर प्रभाव डालते हैं। तो जब सोचने की क्षमता ही नहीं बची तो जब वो देखता है तो दिमाग प्रोसेस कर रहा होता है इंफॉर्मेशन को, जो रिएक्शन टाइम है वो स्लो हो जाता है। हाँ, आप अगर देखोगे, ठीक, मैं भी कहीं आपका खोना अलग है, ये वाला खोना अलग है, ठीक है, इसमें कहीं खोना जाना किसी दिन, इसमें ऐसा होता है कि रिएक्शन टाइम स्लो होता है। हर नशे में रिएक्शन टाइम स्लो होता है, हर न्यूरोट्रांसमीटर रिएक्शन टाइम स्लो कर देता है। आप घबराहट में होते हैं, आपका रिएक्शन टाइम स्लो हो जाता है, ठीक है। इसलिए कहा जाता है नशा करके गाड़ी ना चलाए। अब होता क्या है कि नशा करके गाड़ी चली जा रही 60 किलोमीटर प्रति घंटे, तुमको पता ही नहीं चले गाड़ी की स्पीड इतनी, जब तक ब्रेक पे पैर जाएगा ना दिमाग उतनी देर में तो खेल हो जाए, ठीक। इसलिए कहा मना किया जाता है। ये लोग क्या करते हैं, ये फेंटानिल जो दवा है ये दर्द के लिए अच्छी उत्साह पैदा करती है लेकिन ओवरडोज जोखिम पैदा करता है। यह भी मैं आपको बता चुका हूं, किसी भी दवा का जो लीथल डोज होता है अगर वहां तक दवा दे दी जाए तो वो फिर दवा नहीं बचती, मेडिसिन नहीं होती, वो ड्रग बन जाती है, ठीक है ना। मेडिसिन तभी तक, मेडिसिन भी ड्रग है लेकिन एक लिमिटेड डोज है, इसलिए वो कुछ ठीक कर रही है। अगर आप उसको ओवरडोज कर दोगे तो लीथल डोज के ऊपर देखिए तो खतरा पैदा हो जाएगा शरीर, ठीक, रसायन अचित है ना। अब देखते हैं, हाल ही में खबरों में रहा शेरगढ़ वन्यजीव अभ्यारण किस राज्य से संबंधित है? राजस्थान, ठीक है। पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने राजस्थान में शेरगढ़ वन्यजीव अभ्यारण के लिए पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र, ठीक है ना, को परिभाषित करने वाली एक अधिसूचना जारी की है। अब देखो इसका उद्देश्य क्या है, पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र का, मानव वन्यजीव संघर्ष को कम करना और वन्यजीवों का संरक्षण करना। ये मानव वन्यजीव संघर्ष पता है क्या होता है, मानव इस पृथ्वी पर अकेला तो रहता नहीं लेकिन जब मानव बस्तियां फैलती हैं तो जो वन्यजीव अभयारण्य यानी जो जंगल हैं उसमें जो प्रजातियां रहती हैं उन प्रजातियों के नेचुरल रिसोर्सेस पे मानव कब्जा कर लेते हैं। फिर कहते हैं तेंदुआ आ गया रिहायशी इलाके में। अगर तुम तेंदुए की जगह पे तुम रहने चले जाओगे तो तेंदुआ कहाँ रहेगा? मगरमच्छ की जगह पे तुम रहने जाओगे, मगरमच्छ कहाँ रहेगा? घर में ही आएगा ना जब बाढ़ आएगी। फिर तो फिर जब आता तो उसको छेड़ते हैं, बहुत सारे फुटेज वायरल होते, छेड़ रहे मगरमच्छ को। भाई साहब छेड़ तो रहे हो, अगर उसके उसने जबड़ा खोला और तुम उसके जबड़े में आ गए तो एक चीज ध्यान रखना, 14,000 न्यूटन का बाइट फोर्स होता है उसका, एक आधा न्यूटन का नहीं, 14,000 किलो का वजन रखेगा तुम्हारे ऊपर, मैं जब पता नहीं चले कहाँ गए जानवर हैं ये, वो भी जंगली। फालतू बात, ठीक है ना, मगर पहले ही मर जाओगे अगर उसने रख लिया मुंह में, पहले ही निपट जाओगे, ठीक है। देखो कोई भी जानवर तब तक आपको नुकसान नहीं पहुंचाता, ये यही चीज, जब तक आप उसको नुकसान ना पहुंचा, आप उसके नेचुरल हैबिटेट को देखो, ये पहले से थे, हम बाद में आए, ये मानव मानने तैयार नहीं, धीरे धीरे रिहायशी बस्तियां बढ़ रही, बेचारे जानवर खत्म होते जा रहे हैं। इसका उद्देश्य यही है कि मानव वन्यजीव संघर्ष को कम किया जाए। आप उनकी जगह पे ना जाइए, वो अपना नेचुरल जैसे प्राकृतिक तरीके से रहने दीजिए, लेकिन जाएंगे। अब देखिए 1983 में स्थापित इस अभ्यारण्य में तेंदुआ था, भारतीय भेड़िया था और गिद्ध जैसी लुप्त प्राय लगभग समाप्त हो चुकी प्रजातियां हैं, लगभग समाप्त हो चुकी, ये समझिए, समझ रहे हैं? मतलब गिद्ध तो अब आप में से शायद ही किसी ने देखा हो चिड़ियाघर में कि नेचुरली। हाँ नेचुरली, मुझे भी देखने का सौभाग्य, मैं उस पीढ़ी से हूं जिसको गिद्ध देखने का सौभाग्य मिला था, ठीक, नेचुरली पाया जाता था, अब नहीं पाया जाता क्योंकि एक दवा चलती है डिक्लोफिनेक। ये दवा क्या करती है,
कि जो प्रसव पीड़ा है जानवरों की उसको कम करने के ये काम आती है प्रसव पीड़ा को। अब इस दवा के प्रभाव में क्या होता है कि जब ये दवा दी जाती है तो डिक्लोफिनेक उन जानवरों के शरीर में, वो मरते हैं, गिद्ध उनको खाते थे और ये डिक्लोफिनेक गिद्ध के लिए पॉइजन था, इससे गिद्ध मर गए। ठीक, भारतीय भेड़िया, ये जो स्ट्रीट डॉग्स आप देखते हैं भेड़िए की प्रजाति के होते हैं, इसलिए झुंड में रहते हैं, भेड़िए झुंड में रहते हैं, ठीक है, झुंड में शिकार करते हैं, है ना, झुंड में रहते हैं मतलब इनका भी अपना समाज होता है, जो भी जानवर झुंड में रहते हैं वो सामाजिक जानवर है। तेंदुआ बिल्ली की प्रजाति है, अकेले रहता है लेकिन फिर भी लुप्त प्राय मानिए। ठीक, मसौदे में इस क्षेत्र के आसपास 348 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र प्रस्तावित है। 60 दिनों के भीतर जनता से इसकी प्रक्रिया प्रतिक्रिया मांगी गई कि आप प्रतिक्रिया प्रस्तुत करें कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं इस मसौदे, समझ रहे। मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। हाल ही में किस मंत्रालय ने रत्न एवं आभूषण क्षेत्र को अधिकृत आर्थिक संचालक का दर्जा प्रदान किया है? उत्तर है वित्त मंत्रालय। ठीक, वित्त मंत्रालय ने व्यापार करने में आसानी बढ़ाने के लिए रत्न और आभूषण अधिकृत आर्थिक ऑपरेटर यानी ऑथराइज्ड इकोनॉमिक ऑपरेटर AEO का दर्जा प्रदान किया है। एशियन स्टार एक प्रमुख हीरा निर्माता है, ये उद्योग में पहला प्राप्त करता है। ठीक है ना, मतलब कहने का ये है जैसे BIS हॉलमार्क वगैरह होता है वैसे ये हॉलमार्क। ठीक, विश्व सीमा शुल्क संगठन सेफ फ्रेमवर्क के तहत AEO कार्यक्रम का उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय आपूर्ति श्रृंखलाओं को सुरक्षित करना है। ये AEO का जो दर्जा है ये विश्व व्यापार संगठन के व्यापार सुविधा समझौतों के अनुरूप त्वरित मंजूरी और बढ़ी हुई सुरक्षा जैसे लाभ प्रदान करेगा ताकि, अच्छा है क्यों ये, इसलिए ताकि है ना अवैध खनन और तस्करी भी होती है उसको रोका जा सके और इस दर्जे से कम आपूर्ति श्रृंखलाएं बेहतर ढंग से प्रोवाइड हो जाएंगी। कस्टम सिस्टम हर देश में होते हैं, ठीक है ना, अगर आप खो जाते हैं कहीं तो अपना आप थोड़ा ध्यान रखें, ऐसे खोया नहीं जाता है। ठीक, खैर मैं भी कहीं खो सी जाती हूँ, ऐसे खोएंगे ना तो फिर और नहीं मिले, मान लीजिए खो गए अब किसी को नहीं मिले, समस्या ये भी है। ठीक, तो चल खो ही गए फिर, इसलिए यहीं रहिए, खोना जरूरी नहीं। ठीक, आप लोग इस उम्र में खो रहे हैं, मेरा सोचिए फिर मुझे बहुत पहले खो जाना चाहिए था, इस हिसाब से बेहतर करें चीजों को, कम से कम अपने देश में जन्म लिया कुछ अच्छा नहीं तो कुछ तो करके जाइए देश के लिए। हालांकि देश के लिए भी जो बेचारे करके गए उनकी मूर्ति लगी है उस पर कबूतर बैठते हैं, इतना ही मिला उन्हें देश से, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं। मैं सर सोचने लगती हूँ कोई बोल रहा पता ही नहीं होता, ये तो गड़बड़ है मामला। ठीक, ये मामला बहुत गड़बड़ है, गलत तरफ जा रहे हैं आप। ठीक, बातचीत में खोना ही तो नहीं है, ठीक है ना, आजकल लोग खो जाते हैं, कोई बात नहीं ठीक हो जाएगा समय के साथ, तुम लोग ज्यादा परेशान रहते हैं। कौन सी NCERT पढ़नी, नई या पुरानी, ठीक बस शुरू हो गया उसके बाद। हाल ही में समाचारों में देखी गई हरित वर्गीकरण क्या है? हरित वर्गीकरण इसका मतलब कुछ ना कुछ एनवायरनमेंट से रिलेटेड होगा, इसे समझ लिया करो। ठीक है ना, जहां ग्रीन दिखे, सर अब नहीं कहते हम न्यू वर्ल्ड, जहां हरित दिखे समझ जाइएगा पर्यावरण से संबंधित वार्तालाप शुरू होने वाला है। ठीक, देखिए पर्यावरण अनुकूल निवेशों को वर्गीकृत करने की एक प्रणाली RBI और वित्त मंत्रालय टिकाऊ प्रक्षेप पथ के लिए आसियान की विकसित हरित वर्गीकरण से सीख ले सकते हैं। ठीक है, ग्रीन टैक्सोनॉमी पर्यावरण की दृष्टि से सुदृढ़ निवेश को परिभाषित करती है, ग्रीन वॉशिंग को रोकने में सहायता करती है और सूचित निवेश निर्णयों का मार्गदर्शन करती है। कहने का मतलब यह है इसका कि ऐसी पद्धतियां जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट टिकाऊ प्रक्षेप पथ टिकाऊ विकास दे सके और पर्यावरण की दृष्टि से सुरक्षित हो, जिनमें निवेश किया जा सके और वो सुदृढ़ निवेश हो, मतलब उससे लाभ भी हो रहा हो और पर्यावरण को भी लाभ हो रहा हो और आर्थिक लाभ भी हो रहा हो, ऐसे निर्णयों का यह हरित वर्गीकरण प्रणाली क्या करती है, मार्गदर्शन करती है। ठीक, RBI और वित्त मंत्रालय इसमें साथ में शामिल है। नीलगिरी तहर, ठीक, ये जो तमिलनाडु सरकार का राज्य पशु है
भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? ये ऑफिशियली है कि अनऑफिशियल है? ऑफिशियल है अनऑफिशियल? जल्दी बताओ। जल्दी जल्दी ऑफिशियल है अनऑफिशियल है? बहुत गुड, वेरी गुड। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? ऑफिशियल अनऑफिशियल? हॉकी। भारत का कोई राष्ट्रीय खेल है ही नहीं ऑफिशियली, और पक्षी है ऑफिशियली। राष्ट्रीय पक्षी तो मोर को कह सकते हो, ये ठीक पढ़ाया गया है, लेकिन अगर जिसने भी आपको पढ़ाया कि भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है, वो सर्वथा गलत फैक्ट है। भारत का कोई राष्ट्रीय खेल इस समय तक मौजूद नहीं है, गेम अनऑफिशियल, ठीक है ना। तो ये राज्य पशु है, कहाँ का? तमिलनाडु सरकार का। क्या नाम है? नीलगिरी तहर, ठीक। नीलगिरी ट्रैगस हेलोक्रियस। 3 दिवसीय समकालिक सर्वेक्षण सरकार इनका कर रही है। क्या उद्देश्य है? उद्देश्य है कि लुप्त प्राय प्रजातियों की आबादी का अनुमान लगाएं। लगभग जो लुप्त प्राय आबादियां हैं पशुओं की, उनका अनुमान लगाया जा सके, ये एम लेकर चले। जो कभी अनामलाई और नीलगिरी परिदृश्य में घूमती थी, ठीक। अंतरराष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ IUCN एक लिस्ट जारी करता है इंडेंजर्ड स्पीसीज के लिए। ये प्रतिनिधि भी इस अभ्यास में क्या होंगे? पर्यवेक्षक रहेंगे। पर्यवेक्षक का मतलब चेक करेंगे, ठीक है, एग्जामिन करेंगे, वो पर्यवेक्षक होंगे। सहयोग और कार्य प्रणाली देख ले, कौन कौन से लोग हैं। देखो, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, ये WWF वो वाली नहीं जो टीवी देखते, ठीक। WWE हो गया था बाद, वर्ल्ड वाइड एंटरटेनमेंट, यह वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, भारतीय वन्यजीव संस्थान, ठीक है, और IUCN के सहयोग से ये किया जा रहा है। तमिलनाडु में आवासों को 13 वन प्रभागों, 100 वन बीटों और 140 संभावित ब्लॉकों में विभाजित किया गया है, जिसमें केरल सीमा से लगे क्षेत्रों पर अधिक जोर दिया गया है, ठीक ठीक। कुल मिला के यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि कहीं भी आप देखेंगे इस तरीके का, अगर कोई राज्य पशु है या कुछ पर्यावरण के लिए किया जा रहा है, जहां भी आप देख लीजिए लुप्त प्राय, पहले दिमाग में IUCN आ जाना चाहिए तुरंत, ये लिस्ट देते हैं, ठीक है ना। उसके बाद ध्यान रखिएगा कि लुप्त प्राय प्रजातियों के लिए, ठीक, ये बहुत आवश्यक है कि उनका संरक्षण किया जाए। अगर आज आपने उनका संरक्षण नहीं किया तो भविष्य में आप उनको देख नहीं पाएंगे, ठीक। इसलिए आवश्यकता ये जरूरी है कि कम से कम जो ये संगठन है, IUCN हो गया या आपका वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर हो गया, भारतीय वन्यजीव संस्थान हो गया, इनके सहयोग से किए जाने वाले जो प्रयास हैं, ठीक, उनको सरकार भी, राज्य सरकार हो चाहे भारत सरकार हो, ठीक है ना, उनको बेहतर ढंग से मतलब सपोर्ट भी करना चाहिए, है ना, और फंड्स भी लगते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं बिना फंड्स के काम हो रहा है, ठीक है ना। तो इसमें क्या किया गया? 13 वन प्रभाग बनाए गए हैं, यानी वनों को 13 भागों में बांट दिया गया। 100 वन बीट, फिर उन 13 वन प्रभागों को जंगल के अनुसार छोटे 100 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है,
और उन 100 छोटे क्षेत्रों को 140 संभावित ब्लॉकों में विभाजित किया गया। बीट का मतलब होता है जंगल में एक क्षेत्र, ठीक है ना, समझ गए। तो अच्छा, डिवाइड क्यों किया गया है? ताकि संरक्षण आसानी से और आसान ढंग से हो सके, ठीक। डिवाइड नहीं कीजिएगा, बड़े समय बड़ा एरिया होता है तो प्रशासन में समस्या आती है, ठीक, इसलिए डिवाइड कर रहे हैं। कहीं भी डिवाइड करेंगे तभी आप बेहतर ढंग से संरक्षण हर कार्य को कर सकेंगे। भाई नंबरिंग करनी है पशुओं की, छोटे क्षेत्र में अच्छे से कर पाएंगे, बड़े क्षेत्र को पकड़ लिया उठा के, ठीक। इसलिए तो प्रशासनिक दृष्टि से यहाँ भी फायदा होता है, इसलिए बांट रहे, ठीक। सर्वेक्षण के परिणाम प्रोजेक्ट नीलगिरी तहर के लिए आधारभूत डेटा के रूप में काम करेंगे, जो पर्वतीय अनगुलेट्स द्वारा सामना किए जाने वाले खतरों को संबोधित करके जनसंख्या को स्थिर करने और संभवतः सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व जैसी साइटों पर जानवर को फिर से पेश करने पर, कि फिर से पेश करना मतलब उनकी संख्या को बढ़ाया जाए। 9 घटक है यहाँ पे, द्विवार्षिक सिंक्रोनाइज सर्वेक्षण, ऐतिहासिक आवासों में पुनः परिचय, रोग निदान, रेडियो कॉलरिंग जानवरों के कॉलर लगा दिए जाते हैं, ठीक, और इको टूरिज्म, ताकि वहां पर टूरिज्म बढ़े, उससे धन की प्राप्ति हो, जो धन यहाँ पर लगाया जा सके, ठीक है। नीलगिरी तहर भारत के पश्चिमी घाट का एक स्थानिक पर्वतीय जानवर है। इसे IUCN द्वारा लुप्त प्राय प्रजाति के रूप में सूचीबद्ध किया गया है और वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 के तहत इसका संरक्षण किया जा रहा है, ठीक है। इस प्रजाति को निवास स्थान के नुकसान, विखंडन, अवैध शिकार और घरेलू पशुधन के साथ प्रतिस्पर्धा के कारण क्या हो रहा है, खतरा पैदा हो रहा है, ठीक है। ये नीलगिरी तहर पर्वतीय घास के मैदानों और 16 जंगलों में 1200 से 2600 मीटर की ऊंचाई पर क्या करे जाते हैं, पाए जाते हैं, ठीक। क्वेश्चन आएगा तो ऐसे आ जाएगा, प्रोजेक्ट नीलगिरी तहर जो हाल ही में समाचारों में देखा गया, किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई पहल है? किस राज्य सरकार द्वारा? अभी पढ़ चुके हैं, तमिलनाडु, ठीक है, है ना। हाल ही में खबरों में रहा अलागर मंदिर किस राज्य में है? उत्तर है तमिलनाडु। चित्राई उत्सव का समापन, वैगई नदी, ये वैगई नदी एक जगह और आई थी, कहां आई थी ज्योति जी बताइएगा? कहीं आई थी वैगई नदी के नाम, अब नहीं याद आएगा, अभी इसके पहले जो सब्जेक्ट पढ़ा रहा था उसमें आया था, एकदम लास्ट टॉपिक में आया था, ये भी बता दूं। कहां आया था? अब सब्जेक्ट का नाम तो मत ही बताना, इसके पहले क्या पढ़ा रहे थे पता ही है, ठीक। कहां आया था ये बताओ, नहीं तो अब देखो सब्जेक्ट का नाम हमने जब बता दिया इसके पहले तो पता ही है कि क्या पढ़ा रहे थे, तो सब्जेक्ट का नाम बता दिया, कहां आया था ये बताओ, कौन से टॉपिक में आया था? मेले लिखाए थे तब, मेले में आया था, हमको सिखा रहे हैं। भारतीय संस्कृति फिर सिखा रहे हैं, पागल बनाने का तरीका देख। मेले लिखाए थे भारतीय संस्कृति, जब साहित्य लिखवाया था वहां तमिल संगम लिखवाया था, अब याद आ जाएगा, लिखवाया था संगम, कर्णगी, मणिमेखलय, याद आ रहा कुछ? हाँ हाँ सर, सर को याद है, जिसको याद रहना चाहिए उसको नहीं याद है। वैगई नदी से भगवान कल्ला झागर के वापसी जुलूस द्वारा दर्शाया गया था। अब देखो ऐसा है, भगवान एक नहीं भारत में बहुत सारे भगवान है, ठीक है, तमिलनाडु के मदुरै, अब और याद आ जाएगा, अलागर पहाड़ियों की तलहटी में स्थित अलागर मंदिर भगवान विष्णु के 108 निवासों में से एक है, जिसे कल्ला झागर के नाम से जाना जाता है। इसमें किले की दीवारों के भीतर 6 गलियारे हैं और इसका उल्लेख तमिल महाकाव्य शील पादिकारम ये रहा लिखवाया था और अलवर के भजनों में किया गया है। इसलिए कहते हैं कि करंट अफेयर्स भी पढ़ने के समय होगा, पता है क्या,
तो को बार बार घूम के वही चीजें मिलेंगी। तुमने अगर सिलेबस रिवाइज ठीक से नहीं किया है पकड़े जाओगे लास्ट में। नहीं तो शुरुआत से कह रहा हूँ, खासियत है करंट अफेयर्स की, घूम घूम के आ जाता है वही चीज। आर्ट एंड कल्चर में जो पढ़ाया था, ठीक, पायल चोरी के इल्जाम में पति को सजा दे दी जाती है, और फिर कर्णगी, हाँ कर्णगी और माधव की कहानी कोवलन की, अब याद आया, ठीक, अब याद आ गया, ठीक। हर्षित कुमार जिन्होंने हाल ही में 21वीं अंडर 20 एशियाई एथलेटिक चैंपियनशिप 2024 में स्वर्ण पदक जीता है, किस खेल से संबंधित? हैमर थ्रो। हैमर थ्रो देखा है, ठीक है ना, वो गोला होता है, गोला फेंक बोलते हैं, ठीक। हैमर थ्रो में क्या होता है, होता गोल ही है, बस उसमें एक ऐसे लंबा सा ना मतलब धागा लगा रहता है, ऐसे समझिए एक चेन लगी रहती है, उसको घुमाना होता है और घुमा के फेंकना होता है, ठीक। तो उसको नहीं बताओ कुछ कहते होंगे, ठीक, हैमर थ्रो उसको कहते हैं, ठीक है। और वो जो होता है भाला, उसको जेवलिन थ्रो कहते हैं, ठीक। 21वीं अंडर 20 एशियाई एथलेटिक चैंपियनशिप 2024 में अपना दबदबा बनाते हुए 18 पदक भारतीयों ने अर्जित किए। हर्षित कुमार ने हैमर थ्रो में स्वर्ण पदक जीता, ऋतिक ने पुरुषों के डिस्कस थ्रो में रजत पदक हासिल किया। डिस्कस वो चक्का फेंक है ना, एक चक्का होता है गोल सा, उसको हाथ में पकड़कर फेंका जाता है, ठीक है ना, समझ रहे हैं? है ना। और वो जो आप लोग उसको कहते हैं शॉर्टपुट, ठीक, शॉर्टपुट, हैमर थ्रो, जेवलिन थ्रो और ये डिस्कस थ्रो, ठीक है ना। हाल ही में शिपिंग मंत्रालय द्वारा किस बंदरगाह को भारत के पहले ट्रांस शिपमेंट पोर्ट की मंजूरी दी गई? विझिम्बन बंदरगाह। केरल में अदानी समूह का विझिम्बन पोर्ट भारत का पहला ट्रांसशिपमेंट पोर्ट है, जिसे शिपिंग मंत्रालय द्वारा अनुमोदित किया गया है। यह देश का पहला पूर्ण विकसित गहरे पानी का ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह बनेगा। ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह रास्ते में आने वाले जहाजों के बीच माल को उनके अंतिम गंतव्य तक स्थानांतरित करने का कार्य करते हैं, यानी बीच में रोक सकते हैं, ठीक है। विझिम्बन की रणनीतिक स्थिति बड़े जहाजों को आकर्षित करेगी, जो विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए मैरीटाइम इंडिया विजन 2030 तक का हिस्सा है, ठीक है। मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। हाल ही में समाचारों में उल्लिखित नेफ्रोटिक सिंड्रोम क्या है? यह क्या है कि गुर्दे का एक विकार है, किसका? किडनी का, जिसके कारण मूत्र में क्या होता है, अत्यधिक प्रोटीन आने लगता है। केरल के शोधकर्ताओं ने फेयरनेस क्रीम के नियमित उपयोग को नेफ्रोटिक सिंड्रोम से जोड़ा है। कितने लोग लगाते हैं? जितने भी लगाते हैं वो अपना देख लेंगे, ठीक, मेरे को नहीं पता। नेफ्रोटिक सिंड्रोम एक किडनी विकार है, जिसमें ग्लोमेरुली सूजन के कारण मूत्र में अत्यधिक प्रोटीन आने लगता है। स्वस्थ गुर्दे अपशिष्ट को फिल्टर करते हैं, लेकिन सूजन वाले ग्लोमेरुली मूत्र प्रोटीन का रिसाव करते हैं। कोई विशिष्ट किडनी रोग नहीं है, बल्कि किडनी फिल्टर को नुकसान पहुंचाने वाली विभिन्न स्थितियों को ये बनाता है, और विभिन्न स्थितियों के परिणाम स्वरूप ये हो सकता है। नेफ्रिटिस, मधुमेह और ल्यूपस जैसी बीमारियां नेफ्रोटिक सिंड्रोम को ट्रिगर कर सकती हैं, जिसमें किडनी और शरीर के अन्य अंग प्रभावित हो सकते हैं, ठीक है, है ना। और नेफ्रॉन से बना शब्द है, तो ध्यान रखिएगा किडनी ही प्रभावित होगी। भारतीय ऐतिहासिक रिकॉर्ड आयोग, जिसे खबरों में देखा गया, किस मंत्रालय का तहत कार्य करता है? संस्कृति मंत्रालय। अप्रैल 2024 में भारतीय ऐतिहासिक रिकॉर्ड आयोग ने अपने नए लोगो और आदर्श वाक्य यत्र इतिहासम भविष्यम प्रशस्तः का अनावरण किया। ये एक ऑनलाइन प्रतियोगिता में 436 प्रविष्टियों में से चुने गए शौर्य प्रताप सिंह के सबमिशन ने जीत हासिल की। ऐसे सबमिशन मांगे जाते हैं, फिर उसमें से जिसका सबसे अच्छा लगता है उसको पुरस्कार दिया जाता है। 1919 में स्थापित इस IHRC भारत में अभिलेखीय मामलों पर एक महत्वपूर्ण सलाहकार निकाय है। यह रिकॉर्ड प्रबंधन, ऐतिहासिक अनुसंधान की देखरेख करता है। यह केंद्रीय संस्कृति मंत्री के अधीन संचालित होता है, जो रिकॉर्ड रचनाकारों, संरक्षकों और उपयोगकर्ताओं के लिए एक राष्ट्रव्यापी मंच के रूप में कार्य करता है।
विश्व बौद्धिक संपदा दिवस 2024 का विषय क्या है? आईपी और एसडीजी, नवाचार और रचनात्मकता के साथ हमारे साझा भविष्य का निर्माण। 26 अप्रैल को प्रतिवर्ष मनाया जाने वाला विश्व बौद्धिक संपदा दिवस, ये पिछली बार भी आया था पिछले करंट अफेयर्स में, नवाचार और रचनात्मकता को बढ़ावा देने में बौद्धिक संपदा यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, साइंस एंड टेक का मामला है, के महत्व को उजागर करने के लिए वीपो, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन WIPO द्वारा आयोजित किया जाता है। 2024 का विषय क्या है? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट और SDG यानी नवाचार और रचनात्मकता के साथ हमारे सामान्य भविष्य का निर्माण। हाल ही में भारतीय कुश्ती महासंघ के एथलीट आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? नरसिंह यादव। अप्रैल 2024 में राष्ट्रमंडल खेलों के पूर्व स्वर्ण पदक विजेता नरसिंह पंचम यादव भारतीय कुश्ती महासंघ के एथलीट आयोग के अध्यक्ष बन गए हैं। उनके चुनाव ने यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग द्वारा अनिवार्य प्रक्रिया पूरी की है। ठीक, हाल ही में सुरक्षा मामलों के लिए जिम्मेदार उच्च पदस्थ अधिकारियों की 12वीं अंतरराष्ट्रीय बैठक कहां आयोजित हुई? सेंट पीटर्सबर्ग रूस में। ठीक, भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल जी ने 24 अप्रैल 2024 को सेंट पीटर्सबर्ग रूस में अपने रूसी समकक्ष रूसी सुरक्षा परिषद सचिव निकोलाई पेत्रुशेव के साथ मुलाकात की। उन्होंने आतंकवाद साइबर सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करते हुए प्रमुख द्विपक्षीय मुद्दों को संबोधित भी किया। डोभाल ने 22 से 25 अप्रैल 2024 को रूस द्वारा आयोजित सुरक्षा मामलों के लिए जिम्मेदार उच्च रैंकिंग अधिकारियों की 12वीं अंतर्राष्ट्रीय बैठक में भाग लिया, जिसमें वैश्विक सुरक्षा चुनौतियों पर चर्चा करने के लिए 106 देशों के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया, जो रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद से निपटने पर जोर देने पर जोर देता है। हाल ही में किस देश ने यूक्रेन को सैन्य सहायता प्रदान करने के लिए विदेशी सहायता विधेयक पारित किया? अमेरिका। ये जब तक युद्ध करवा नहीं लेंगे तब तक मानेंगे नहीं, इनकी पुरानी आदत रही। ठीक, पहले आग में घी डालो, जब आग जलने लगे तो वहां से भागो। ठीक, राष्ट्रपति जो बाइडेन ने 95 बिलियन के सैन्य सहायता पैकेज पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसमें यूक्रेन के लिए 61 बिलियन, इसराइल के लिए 26 बिलियन और इंडो पैसिफिक के लिए 8 बिलियन शामिल। विशेष रूप से बिल में टिकटॉक को लक्षित करने वाले प्रावधान शामिल, जिसमें मूल कंपनी बाइट डांस को अमेरिका में प्रतिबंधित होने से पहले ऐप को बेचने के लिए 9 महीने का समय दिया गया है। पैसा मिल रहा है, ठीक, ये सारा पैसा कहां लगेगा? मानवीय विकास में नहीं, युद्धों में, समझ रहे हैं? ठीक, सैन्य सहायता में पहले युद्ध करवाइए, बाद में सैन्य सहायता दीजिए, ऐसा ही चलता रहता है भविष्य में, समझ रहे हैं? ये आग शांत नहीं करते हैं, इनको शांति में बिलीव नहीं है, आग लगाने में बिलीव, यूएस को जाते हैं, ये आग लगाते रहते हैं। ठीक है ना, कुल मिला के ये वाला भी आपको प्राप्त हो जाएगा। ठीक, इसी रूप में बाकी मेरे विचार से मैं जितना समझ पा रहा हूँ आप रिविजन कर रहे होंगे, ठीक, और आपका रिवीजन एकदम बढ़िया चल रहा होगा, आपकी तैयारी एकदम बढ़िया चल रही होगी, कितनी बढ़िया चल रही है आप भी समझते हैं। ठीक है ना, नेहा जी बहुत दिन बाद आई है, रिवीजन चल रहा है नेहा जी, पढ़ रहे हैं, रिवीजन मस्ट है, रिवीजन करते रहिए, हैं कि चले गए नेहा? अच्छा हैं, रिवीजन करते रहिए, रिवीजन मस्ट। ठीक है ना, एक आपका पॉलिटी का पेपर बना के मैम को दिया है, शायद पोर्टल पे जाएगा, आपका पेपर होगा, 5 प्रश्न हैं, जो पढ़ाया है उसी से है, ये भी ध्यान रखना, बाहर से नहीं दिया, लेकिन प्रश्न को समझना पड़ेगा तभी लिख पाओगे, बिना समझे प्रश्न को नहीं लिखा जा सकेगा। इसलिए मैं बार बार फोकस कर रहा हूँ कि कुछ भी हो जाए आपको 2 से 3 चीजों पर विशेष ध्यान देना है, और वो 2 से 3 विशेष चीजें ये हैं कि पहले तो आप रिविजन करें, जितना लिखा रहा हूँ उसका करें। ठीक, अतिरिक्त फिर ये है कि जब वो हो जाएगा तो जैसे धीरे धीरे गाड़ी आगे बढ़ेगी वैसे वैसे हम आपको चीजें बताते जाएंगे। ठीक है, कि कहाँ कितना कैसे करना है, जो पुराने लोग हैं ज्योति जी, श्रद्धा जी, नेहा जी, पल्लवी जी, आप जानते हैं, आप अब धीरे धीरे उस स्थिति में पहुंच रहे हैं कि लिखने की भी स्थिति ठीक हो रही, रिविजन की भी ठीक हो रही। जो नए जुड़े हैं अभी PCS में, उनसे भी मेरा यही आग्रह रहेगा कि इन्होंने शुरुआत में थोड़ी सी गलतियां की थी कि इन लोगों ने रिवाइज करना नहीं शुरू किया, अच्छा समय भी नहीं था, आप लोग गलती नहीं करेंगे, आप साथ ही साथ रिवाइज करते चलेंगे। ठीक है, भाई 1 साल से 1.5 साल तक का करंट अफेयर्स भी पूछा जाता है, फिर बाद में थोड़ी ना पढ़िएगा। ठीक, नहीं याद रह रहा कोई दिक्कत नहीं, कम से कम रीडिंग जरूर लगाइए। ठीक है, इतना जरूर कर लीजिए। ठीक।
और फिर शुभकामनाएं, अब अगले सैटरडे मिला जाएगा, तब तक के लिए नमस्कार, ठीक, खुदा हाफिज, सस्ते सस्ते अकाल, शब्बा खैर, जय श्री राम।